यमुनानगर के हुड्डा सेक्टर 15 में एक कोठी में एक युवक ने फांसी फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। दरअसल पेहवाग में रहने वाला अपने ससुराल में आकर बाथरूम में फांसी लगाकर उसने हत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि देर रात गोल्ड में इस घटना को अंजाम दे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक टीम मौके पर बुलाकर फिलहाल पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर मामला दर्ज किया है। ऐसे में पुलिस हर पहलू को जांच कर रही है। आप देख सकते हैं प्राइम बेकी न्यूज चैनल के लिए पंकज कुमार की रिपोर्ट, यमुनानगर। जिसके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची गई है, उस साजिश के अंदर ही है इसकी जो सुसाइड जो हुआ है, साजिश के ही का नतीजा है। और ये राजपुरा के लोग थे, ठुकराल फैमिली, मदन लाल ठुकराल और देवेंद्र ठुकराल और उसकी फैमिली। तो मरने से पहले आपके भाई ने कोई सुसाइड नोट वगैरह भी छोड़ा? हाँ बिल्कुल, 2 पेज का छोड़ा है, टोटल 4 पेज हैं। बहुत बड़ी साजिश है, साजिश के तहत मारा गया। उसकी रेपुटेशन इतनी बढ़िया थी, अपनी इज्जत के लिए गया वो, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे, उसको हरासमेंट किया गया, इसलिए वो गया। जिस रिश्तेदारी पड़ती है उनका आपस में प्रॉपर्टी का लेन देन का भाइयों का मामला था, ये उनका दमाद था, इसी चक्कर में इसको उन्होंने 13-7 अटैच करके बीच में साजिश में फंसा लिया। हरी नैन उर्फ गोल्डी है जो अपनी ससुराल में 29 तारीख को आया था, और इसका कोई इसके फूफसरे वगैरह के साथ जो है ना प्रॉपर्टी वगैरह में उनका आपस में डिस्प्यूट था। इसके ऊपर दबाव था कि आप इसका फैसला कराओ, ये कहता था कि मैं नहीं करा सकता, आप मेरी ससुराल में जाके उनसे बातचीत करो, वो फैसला करवा सकते हैं। इसने इसलिए उसको यहाँ पे आया था अपनी पत्नी के साथ, और 30 तारीख को यहाँ पे करीब 6:30 बजे के करीब हमारे सूचना मिली कि एक व्यक्ति की 15 सेक्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसका एक सुसाइड नोट हाँ मिला है, उसमें उसने अपने फूफा ससुर वगैरह के नाम लिए हैं जो कि राजपुरा में रहते हैं। पुलिस अभी फिलहाल तो इसने 306 का पर्चा दर्ज कर दिया, 306 120 बी का पर्चा दर्ज हो चुका है। आगामी कार्रवाई पोस्टमार्टम